एक और प्रॉब्लम है, राइट ए प्रोग्राम दैट सिमुलेट्स द रोलिंग ऑफ टू डाइस। दो डाई हैं, उनको रोल करना है, उनको उछालना है। दो क्यूब हैं जिन पे चारों तरफ वन, जिसके जो फलक हैं छः, उन पे 1, 2, 3, 4, 5 से लिखा हुआ है, उनको हमें उछालना है। द प्रोग्राम शुड यूज रेंड ट्वाइस। ऐसा करने के लिए हम प्रोग्रामिंग में क्या करेंगे, आर ए एन डी नाम का फंक्शन है, उसको दो बार काम में लेंगे, जिसमें पहली बार काम में लेंगे उसको पहली डाई मानेंगे, दूसरी बार वाले को दूसरी डाई मानेंगे। द सम ऑफ द टू वैल्यूज शुड देन बी डिक्लेयर्ड देन बी कैलकुलेटेड। बाद में जो दोनों डाई हैं उन पे जो जो वैल्यूज आएंगी उनका हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। ईच डाई कैन सो एन इंटीजर वैल्यू फ्रॉम 1 to 6 एंड देन, अब एक डाई है जो भी वैल्यू आएगी वो मिनिमम 1 आ सकती है, मैक्सिमम 6, दूसरे पे मिनिमम 1 मैक्सिमम 6, इसलिए अब दोनों का एडिशन है वो मिनिमम 2 होगा और मैक्सिमम 12 है। और इसमें 7 है उसकी प्रोबेबिलिटी 6 है, 6 ऐसी अपने पास संभावनाएं हैं जिनमें ये वैल्यू 7 आ सकती है। फिगर ऑन राइट साइड शोज द 36 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द टू डाइज। ये यहाँ पर राइट साइड में एक फिगर ली हमने जिसमें ये पॉसिबिलिटीज दिखाई हैं। पहली पे 1 आता है, दूसरी पे 1 तो 2, पहली पे 2, दूसरी पे 1 तो 3, पहली पे 2, दूसरी पे 2 तो 4, इस तरह की ये पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये ऑफ डायगोनल है, इसमें 7 दिखाया गया है कि 6 ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं जिनमें 7 आ सकता है टोटल एडिशन। हमें ये डाइज हैं, ये जो रिपीटेशन है ये 36,000 टाइम्स करना है, 36,000 बार ये प्रोसेस रिपीट करनी है। इसके लिए एक सिंगल स्क्रिप्टेड एरे काम में लेनी है जिनमें ये सम है, इसको स्टोर कर दें और फिर हमें उसको प्रिंट करना है। और इसको चेक करने के लिए हमें देखना है कि 7 है, 7 है, वो लगभग 1/6 मतलब 36,000 बार उछला है, तो लगभग 6,000 बार 7 आना चाहिए लगभग, तो हमारा प्रोग्राम सही है। चेक कर लेते हैं। तो ये एक प्रोग्राम लिया बनाया है जिसमें फेस 1 और फेस 2 नाम से दो इंटीजर्स लिए हैं, रोल नाम से एक काउंटर वेरिएबल लिया है, फ्रीक्वेंसी नाम से एक सिंगल स्क्रिप्टेड एरे लिया जिसकी वैल्यू 0 कर दी है, और इसकी साइज 13 ली है क्योंकि मैक्सिमम अपने 12 आ रहा है, तो 0, 1, 2, 12 तक मतलब 13 साइज लिया। बाद में एस रेंड फंक्शन को कॉल किया है जो टाइम से ऑटोमेटिकली एक इनिशियल नंबर सीड उठा रहा है। बाद में हमने फोर लूप जिसको 36,000 बार चलाया है उसमें फेस 1 एंड फेस 2 को दो वैल्यूज असाइन किए हैं, रेंड फंक्शन को दो बार कॉल किया है जिसमें 6 का रिमाइंड, जिसका 6 के साथ रिमाइंडर मतलब 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, उसमें 1 ऐड कर दिया तो 1 to 6 को इंटीजर हो गया। इसी तरह से फेस 2 और फिर फ्रीक्वेंसी फंक्शन में सब स्क्रिप्ट फेस 1 प्लस फेस 2 है उसमें 1 ऐड कर लेंगे, यदि फेस 1 प्लस फेस 2 की वैल्यू 2 है तो फ्रीक्वेंसी 2 में 1 ऐड हो जाएगा, फेस 1 प्लस फेस 2 की वैल्यू 12 है तो फ्रीक्वेंसी 12 में 1 ऐड हो जाएगा। उसके बाद में हम इनको प्रिंट कर रहे हैं और आउटपुट को हम देख लेंगे। ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, रन किया तो रन करने पर हमें साफ दिखाई दे रहा है 7 है वो 5,892 बार आया है, सबसे ज़्यादा आया है और लगभग ये 6,000 के बराबर है। फिर से इसको प्रोग्राम को रन करें तो इस बार 7 की वैल्यू 6,116 आई है, लगभग 6,000 के बराबर है। फिर से रन किया ये 6,078 आ गया, ये क्योंकि टाइम के अनुसार सीड चेंज हो रही है इसलिए ये वैल्यूज चेंज हो रही हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है पेलिंड्रोम्स। पेलिंड्रोम्स क्या होता है, तो कोई भी नॉर्मली हम नंबर की इंटीजर की बात करें तो उसमें उसका रिवर्स ऑर्डर और फॉरवर्ड ऑर्डर सेम हो उसको हम पेलिंड्रोम नंबर कहते हैं। नॉर्मली ये हर जगह लागू होता है, तो पेलिंड्रोम उनको कहते हैं, उन स्ट्रिंग्स को कहते हैं या उन सबको कहते हैं जिनका रिवर्स ऑर्डर उनके सेम हो। ए पेलिंड्रोम इज ए स्ट्रिंग दैट स्पेल्स द सेम वे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। यदि उसको लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट किधर भी पढ़ें वो सेम ही प्रोनाउंसिएशन देगा। उसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे रडार,
अब रडार को लेफ्ट से पढ़ें आर ए डी आर, राइट से पढ़ें तो भी आर ए डी आर। एबल वाज आई एरे आई सा एल्बा, तो इसमें देखें ए बी एल ई स्पेस डब्ल्यू एस स्पेस आई स्पेस ई आर ई स्पेस आई स्पेस एस ए डब्ल्यू स्पेस ई एल बी ए। ऑपोजिट साइड में देखेंगे तो भी ए बी एल ई स्पेस डब्ल्यू ए वाई डब्ल्यू एस स्पेस आई स्पेस ई आर ई स्पेस, वो ही रिपीट हो रहा है। और यदि हम स्पेस है उनको इग्नोर कर दें तो और भी अलग है, जैसे ए मैन ए प्लेन ए कैनल पनामा, ए मैन ए प्लान ए कैनल ए कैनल पनामा। तो ये इसको ऑपोजिटली पढ़ेंगे तो भी पनामा में ए एम ए एन बाद में ए पी, और एकदम इसी तरह से रिपीट करेगा अपने आप को, दोनों तरफ ये रिपीट करता है जिसमें सी बीच में है कैनल वाला। तो इसके लिए हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें टेस्ट पैलिंड्रोम नाम का फंक्शन काम में लेना है। वो क्या करेगा, वो फंक्शन वन रिटर्न करेगा यदि जो स्ट्रिंग हमें मिली है वो पैलिंड्रोम है, और जीरो रिटर्न करेगा यदि वो पैलिंड्रोम नहीं है। ये फंक्शन है, ये स्पेस है उनको इग्नोर करने वाला होना चाहिए। हम प्रोग्राम में फंक्शन बना के देख लेते हैं। ये प्रोग्राम हमने बनाया है, इसमें एक टेस्ट पैलिंड्रोम नाम का फंक्शन है जिसमें एक करेक्टर एरे मतलब स्ट्रिंग इनपुट में जा रही है। ये स्ट्रिंग 100 करेक्टर्स की एक स्ट्रिंग ली है, ये आई इक्वल टू जीरो प्रिंट एक स्ट्रिंग रीड कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये स्ट्रिंग जो रीड कर रहे हैं उसको इस तरह से रीड कर रहे हैं कि ये जो ही इसको न्यू लाइन मिले तब इस स्क्रीन का एंड हो जाए, स्पेस स्पेस का एंड ना हो, क्योंकि हम जो स्ट्रिंग ले रहे हैं जो क्वेश्चन में है उसमें स्पेस आ सकते हैं, नॉर्मली स्ट्रिंग का एंड स्पेस पे हो जाता है। इसलिए हम इसको एज ए करेक्टर रीड कर रहे हैं डू वाइल लूप से, जिसमें पहला करेक्टर ये रीड करेगा फिर उसको चेक करेगा ये न्यू लाइन है या नहीं है, यदि ये न्यू लाइन नहीं है तो नेक्स्ट करेक्टर रीड करेगा, न्यू लाइन आते ही ये स्ट्रिंग है उसका एंड हो जाएगा। बाद में हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं टेस्ट पैलिंड्रोम को, यदि उसकी वैल्यू 1 है तो ये प्रिंट करेगा गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, यदि 0 है तो प्रिंट करेगा गिवन स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। अब यहाँ दो फंक्शन ले रहे हैं, एक पहला पेल टेस्ट है, पेल टेस्ट नाम से लिया है, उसमें इनपुट में एक स्ट्रिंग है ए और बी दो इंटीजर्स हैं, यदि दोनों इंटीजर सेम है ए और बी तो ये रिटर्न करेगा 1। यदि पहला यदि ये स्ट्रिंग जो ली है उसमें ए और बी जो दो इंटीजर्स लिए हैं उनके नम कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रिंग के एलिमेंट हैं वो यदि सेम नहीं है तो ये रिटर्न करेगा 0। अब यहाँ दो चीज़ें हो गई हैं, ए और बी सेम है तो रिटर्न 1, ए और बी सेम है नहीं है, यदि सेम है तो ये रिटर्न 1 कर देगा, सेम नहीं है तो उन पे यदि स्ट्रिंग के वैल्यूज सेम है मतलब स्ट्रिंग एलिमेंट्स की ए और बी पर सेम है तो ये रिटर्न सेम नहीं है तो 0। और यदि ये भी नहीं मिला इसको दोनों सेम ए और बी सेम नहीं है उन पे स्ट्रिंग के एलिमेंट ए और स्ट्रिंग एलिमेंट बी ये दोनों सेम मिल गए तो ये तीसरा काम करेगा, ये इसी फंक्शन को फिर से कॉल करेगा जहाँ ए की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट और बी की वैल्यू में एक डिक्रीमेंट होगा। अब टेस्ट पैलिंड्रोम फंक्शन क्या कर रहा है, तो टेस्ट पैलिंड्रोम फंक्शन है वो पहले दो इन वैल्यूज ले रहा है आई और जे दो काउंटर जिनको जीरो कर रहा है, एक करेक्टर एक्स एरे है वो डिक्लेयर कर रहा है, ये बाद में एक दो नेस्टेड लूप लगा रहा है जिसमें जो एस इनपुट एरे है उसको इनपुट में यहाँ पर ले रहा है और फिर जो एक्स एरे है उसको वैल्यू असाइन कर रहा है। किस तरह से असाइन कर रहा है, तो यहाँ कई चीज़ें टेस्ट करनी है, लोअर केस अपर केस का डिफरेंस ना आए इसके लिए सबको लोअर केस में कन्वर्ट करके अक्स को असाइन कर रहा है, मतलब यदि एरे है उसके एलिमेंट्स यदि लोअर केस में हैं तो उनको अपर केस में कन्वर्ट कर रहा है। दूसरा यदि अपर केस में है तो उनको जैसे हैं वैसे ही अक्स एरे को असाइन कर रहा है। इस तरह से हमने एक नई एरे बना ली है अक्स नाम से। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, इफ़ जे इज इक्वल्स टू जीरो रिटर्न 1।
अब ये जे क्या है, तो जे यहाँ पर ये जो एरे है जो हम एक्स को असाइन कर रहे हैं वहाँ पर एक काउंटर वेरिएबल काम में लिया हमने, और उस काउंटर वेरिएबल में हमने जे प्लस प्लस लिखा है, मतलब इसको कोई एलिमेंट ही नहीं मिला तो वो जे की वैल्यू जीरो होगी और रिटर्न ये वन कर देगा। यदि जे की वैल्यू जीरो है, जीरो नहीं है, तो ये रिटर्न कर रहा है पेल टेस्ट, पेल टेस्ट फंक्शन को कॉल कर रहा है, उसमें एक्स एरे है वो इन कर रहा है, इनपुट में दे रहा है जीरो इनिशियल वैल्यू और जे माइनस वन फाइनल वैल्यू, जिनके बीच में टेस्ट करना है, जो उस एरे में ए और बी की वैल्यू होंगी, जो एक लेफ्ट साइड से मूव करेगी एक राइट से, और दोनों मिडिल की तरफ आती जाएंगी और दोनों टेस्टिंग चलती जाएगी दोनों तरफ की। यहाँ पर स्पेस कहाँ इग्नोर हो रहा है, तो हमने जो नई एरे बनाई है उसको सिर्फ वो वैल्यूज असाइन कर रहे हैं जो अल्फाबेट हैं, उसके अलावा और करेक्टर्स हम असाइन ही नहीं कर रहे। यहाँ पर ये टेस्ट हो, इसलिए स्पेस या और जो भी करेक्टर हैं वो ऑटोमेटिकली इग्नोर हो रहे हैं। हम प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके देख लें, प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गए हैं। रन करते हैं, इनपुट में एरे देते हैं रडार, ये पेलिट्रोम है, उसके बाद में हम देते हैं ए बी एल ई डब्ल्यू ए एस आई ई आर ई आई एस ए डब्ल्यू ई एल बी ए, ये भी पेलिट्रोम है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देते हैं ए मैन ए प्लान ए कैनल पी ए एन ए एम ए, ये भी पेलिड्रोम है। हम फिर से देते हैं ए मैन यहाँ कोमा ए प्लेन कोमा ए कैनल पनामा, ये भी पेलिड्रोम है, मतलब कोमा को भी इग्नोर कर रहा है। ए मैन ए प्लान ए कैनल पनामा, यहाँ कुछ अपर केस लोअर केस दिए हैं, इनको भी अपर के मतलब केसेस को भी इग्नोर कर रहा है, छोटे और बड़े अक्षरों को समान ही मान रहा है। अब हम कुछ और देते हैं, हम सिर्फ ए मैन लिख देते हैं, ये पेलिड्रोम नहीं है। हम रडार में आर छोटा बड़ा लिखते हैं वो पेलिड्रोम है, लेकिन हमने आर ए डी इतना ही लिख दिया तो ये पेलिड्रोम नहीं है, इसका मतलब ये सक्सेसफुली टेस्ट हो रहा है।